झूठे हो तुम, झूठ बोलते तुम्हारी जुबान नहीं दुखती। अब अगर मेरे बाबा के बारे में एक और शब्द कहा ना तो मैं क्या करोगी? गोली चढ़ा दूंगी मैं तुम्हें। देखिए सर, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन हुआ है, आप प्लीज मुझे अंदर जाने। तुम वही हो ना जो उस लड़की को भगा कर ले गए थे? भगा कर नहीं ले गया था, उनके पिताजी ने मुझे खुद कहा था कि मैं उनको वहां से ले जाऊं। आप चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं, उनके बाबा यही है ना, और वो लड़की, वो दोनों ठीक है? गरम खून आज भी तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है, पर तुम एक बात तो भूल ही गई, ये रजवाड़े तो हम भी हैं। तुम ये मत सोचो कि क्योंकि मैंने पहले कभी बंदूक नहीं चलाई, मैं अभी भी नहीं चलाऊंगी। बंदूक नहीं, पिस्टल है। और रही बात इसके ट्रिगर दबाने की, तो दबा के देखो। दबाओ ना, ये पिस्टल लॉक्ड है और ये तब तक नहीं चलेगी जब तक इसका लॉक नहीं खुलता। लो ये रिवॉल्वर हमें दे दो। लाओ राजमहल में जाने का वक्त आ गया। राजकुमारी मान्यता, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें पता नहीं तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें आगाह नहीं किया था। हाँ नहीं तो राजकुमारियां इतना ऊंचा नहीं बोलती। मेरा नाम मोना है, मुझे मेरे पापा के सिवा और कोई राजकुमारी नहीं बुला सकता। आप लोग मेरे माता पिता को भी यहाँ पर पूछताछ के लिए लेके आए? देखो अपना भला चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ, वो तो हमारी शराफत है कि हमने तुम पर भी किडनैपिंग का केस नहीं ठोका। मुझ पर भी का क्या मतलब है? आप मुझे धमकी दे रहे हैं क्या? जब मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं तो आप मेरे खिलाफ केस कैसे दर्ज कर? ज्यादा भंगस नहीं करने का, नहीं तो बिना केस के अंदर डाल दूंगा, समझा ना? आकाश अच्छा हो बेटा, तू आ गया, चल चल घर, चल घर, चल आ जा बेटा। माँ इन लोगों ने आप दोनों के साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की? नहीं रे, ये तो हमारे मेहमान थे। आकाश चल अब तू घर चल हमारे साथ, देख हम लोग कितना परेशान हो रहे थे। अरे मुरारी जो है वो कोई बहुत बड़ा मुजरिम है जिसकी तलाश पुलिस को बरसों से है, तुझे उसकी बेटी से दूर रहना चाहिए, चल। डैडी मुनिया मुश्किल में और आप मुझे उससे दूर रहने के लिए कह रहे हैं? जब से ये लड़की तेरी जिंदगी में आई है तूने हमें तुम जैसे पराया ही कर दिया है, हमारी कोई बात नहीं सुनता। देख बेटा अभी भी वक्त है, इन लोगों को अपने हाल में छोड़ दे और चल हमारे साथ, चल हमारे साथ बेटा, चल चल बेटा, चल, चल, चल। मैं अंदर जा रहा हूँ और ये मैं आपसे पूछ नहीं रहा, मैं ये आपको बता रहा हूँ।
मतलब हीरो नहीं छोड़ेगा। अरे लौकर निकल जाए यहाँ से, वरना आज रात तेरा सत्कार करने में यहाँ कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। देखिए आपसे गलतफहमी हुई है भाई साहब, बच्चे को छोड़ दीजिए, लग जाएगी इसके। छोड़ो मुझे, जाने दो, कोई मेरी मदद करो, ये लोग मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हैं। आपको मत देखिए, मत करो, तुम ये छोड़ दीजिए उसे। राज गिराने के हो, इसको पहले तुम कुछ भी करोगे? आप लोग बहरे हो क्या? बोले आकाश, बोले। अरे क्या कर रहे हैं भाई साहब, छोड़िए। अरे छोड़ दो। अरे क्या कर रहे भाई साहब, छोड़िए इसको। खोलो ना। आकाश आकाश बात सुनो बेटा। अरे आकाश बेटा, बोलिए बेटा, बात सुनो आकाश। बोलिए। अरे छोड़ो भाई, अरे अरे छोड़ो, अरे छोड़ो भाई, अरे छोड़ो। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे कब से वो चिल्ला रही है, आप लोग देख नहीं रहे? कैसे आप लोगों ने अपनी मनमानी करने दे रहे? देख भाई, तेरे को आखिरी बार समझा रहा हूँ, ये बहुत बड़े लोग हैं, इनके लफड़े में नहीं पड़ने का। बड़े लोग हैं तो क्या हो गया, किसी को अपना समाज मान के उठा के ले जाएंगे क्या, वो भी पुलिस स्टेशन से? मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप लोग कैसे लोग अपनी मनमानी करने दे रहे? भाऊ समझा लो इसको, ज्यादा फल पड़ाएगा तो वो लोग पर काट देंगे इसके। इसलिए इसके लिए अच्छा यही होगा कि उस लड़की को जल्दी से जल्द भूल जाए। अब उसकी दुनिया और हमारी दुनिया में रात दिन का फर्क है, समझ ला? हाँ ये ठीक कर रहा है आकाश बेटा, हमें झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। चल बेटा घर चल। सबको बुलाइए। जी माँ साहब। जी माँ साहब। डॉक्टर साहब का फोन आया था, उदय और डॉक्टर साहब घर वापस आ रहे हैं। मान्यता को अपने साथ लेकर। यकीन से कैसे कह सकते हैं कि जो लड़की घर आ रही है वो हमारी मान्यता ही है? उदय कह रहे थे कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वो मान्यता के सिवा और कोई नहीं हो सकती। उदय तो खुद बच्चा है मां साहब, उसे मान्यता के बारे में खुद कितना याद होगा। हमें अपनी उम्मीदों पर काबू रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उस मुरारी ने हमें फिर चकमा दे दिया और ये लड़की मान्यता नहीं बल्कि कोई और ही निकले।
अरे तू अब तक गया नहीं? देखिए साहब, एक बार आप मुझे मुरारी चाचा से मिल लेने दीजिए। आप लोग जो कर रहे हैं वो गैरकानूनी है, और ये बात आपको मुझसे ज्यादा पता होनी चाहिए। अच्छा, अब तू हमें कानून सिखाएगा? हैं? कानून उन लोगों ने नहीं, तुम्हारे मोरा नहीं तोड़ा है। और ज्यादा शानपति मत कर, समझा? अपने पैरों पे आया था ना, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दूसरे का कंधे का सहारा लेना पड़े तुझे। आकाश, अब बहुत हुआ, अब घर चलो। कसम है तुझे मेरी। हाँ बेटा, चल, माँ की बात मान ले और निकल जा। और सुन, मैं तुझे आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, वरना हमें तुझे अंदर डालना पड़ेगा, और फिर तेरा पुलिस रिकॉर्ड में नाम आ जाएगा, समझे? और आप लोग समझाइए इसे, मिडिल क्लास आदमी का इज्जत कितना इम्पोर्टेंट होता है। चल बेटा, चल। सर प्लीज, सिर्फ 2 मिनट लिए आप मुझे मुरारी चाचा से मिलने दीजिए। क्या इलाम हाजी सटक ली ना, ये कोई हवलदार है क्या? और तुम पुलिस थाने से 1 किलोमीटर के अंदर कहीं दिखाई दिया तो याद रख, हवलदार ले जाओ इसे। चलो आप रहने दीजिए, आप रहने दीजिए, इंस्पेक्टर साहब हम भी जाते हैं। चल बेटा आकाश, चल चल बेटा, साहब हमने मान लेते हैं। चल चलो मैं कुछ देर में आता हूँ। घर चलना बेटा, ना जाने तूने कब से नहीं खाया। माँ मैंने कहा ना, मैं कुछ देर में आता हूँ, आप लोग चलो। आकाश बेटा थोड़ा जल्दी आना। ये जानने के लिए कि देवगढ़ की गुमशुदा राजकुमारी कौन है, कैसी दिखती है, और सबसे बड़ा सवाल, कहीं ऐसी राजकुमारी मान्यता? साले मारखान जोगी खत्मा खाने हलकट येड़े वेड़े पुराने खोई के पेड़े माखन कीड़े मुखौले पागल छोटे, तुझे जो करना कर ले, एक दिन तो मैं ऐसे भागी जाऊंगी, कान खोल के सुन ले। We'll be right back.
साहब, हमने वादा किया था ना आपसे कि मान्यता के बिना घर नहीं लौटेंगे। इनसे मिले, ये है राजकुमारी मान्यता। कमरा खुलवा दीजिए, राजकुमारी को इस वक्त अकेले रहने की जरूरत है। तुम लोग जो कर रहे हो ना, ठीक नहीं कर रहे हो। भगवान जी तुम सबको नरक में एक बड़ी सी कड़ाई के नीचे आग लगाकर अच्छे से जलाएंगे, हाँ नहीं तो। इन्हें ले जाइए। वाह, यहाँ पे तुम दोनों से भी बड़ा भाई आ गया है। You know what that means, right? Gang war. अब मजा आएगा। हमें उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ी रही है किसी कोने में अपनी बाकी की पूरी जिंदगी। पर ये मजेदार बात तो ये है कि वो खुद यहाँ रहना नहीं चाहती। And oh my God, जो हाल कर दिया है हमारी प्यारी बहन ने उदय का, कम से कम 10 जगह पर काटा होगा। अब इससे पहले कि इसे मेंटल हॉस्पिटल ले जाए, चलो ना नीचे जाकर एक बार देख आते हैं आखिर ये चीज है क्या। विजय भाई, आपको जाना अब चाहिए। हमें ना तो उस जंगली लड़की के बारे में कुछ सुनने का शौक है और ना ही उससे मिलने में कोई दिलचस्पी। ये राजकुमारी गरीब है, एक चोर के माहौल में पली है ये राजकुमारी। इसे गरीबी के दलदल से उठाकर महल ले आए राजमाता, ये तुमने क्या किया? चौल में रहने वाली साधारण लड़की जिसका नाम है मोनिया, क्या वही लड़की राजकुमारी मान्यता है? और जानकारी के लिए हम सीधा चलते हैं हमारी संवाददाता नुपुर अरोड़ा के पास, जो महल के बिल्कुल बाहर खड़ी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, राजकुमारी को पहले ही मतलब मोनिया सच की राजकुमारी है। अरे वो दिखती भी राजकुमारी थी। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी दोस्त जिसे हम मॉल में साफ सफाई की नौकरी दिलाने ले गए थे, वो कहीं की राजकुमारी निकलेगी। अरे तभी तो मुरारी मोनिया को महंगी महंगी चीजें खरीद के देता था। अगर आपको लगता है कि ये लड़की असली राजकुमारी मान्यता है तो SMS कीजिए Y, और अगर आपका जवाब नहीं है तो SMS कीजिए N और भेज दीजिए 53535 पर। देखते रहिए हमारी खास पेशकश, चौल वाली बनी राजकुमारी। इसका मतलब अब हम अपनी मोनिया को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक सच है कि वो मेरी बेटी है। उसके पास करोगे ना, बोलो उसको रखोगे ना अपने साथ, बोलो बताओ रुकोगी कहीं? कोई मेरी मदद करो, मुझे ये लोग मुझे आगे दौड़ के ले जा रहे हैं। राज घराने क्या हो, इसको मिले तो कुछ भी करोगे। अब लोग भाग रहे हो क्या? बोले आकाश, बोले बोले आकाश, बोले बोले। हम यही पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये लड़की चौल में तुमसे बात कर रहे हैं हम दोनों, तो रातों रात राजकुमारी कैसे बन सकती है? हमें ये भी पता करना होगा कि इसे इस साधारण लड़की को रातों रात राजकुमारी मान्यता बनाने के पीछे क्या राजमाता का कोई साजिश, कोई कारण है इसके पीछे? हम ये सारी जानकारी इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते रहिए हमारी खास पेशकश, चौल वाली। पहले तो तुम चिल्लाना बंद करो। अगर मैं चिल्लाना बंद कर दूंगी तो तुम सच सच बताओगी कि ऐसा क्या हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आया। हम तुम्हें यहाँ इसलिए लेके आए क्योंकि यही तुम्हारा असली घर है। ये सच है मान्यता, चाहे तुम कितना मर्जी क्यों ना चिल्ला लो, इस सच को बदल नहीं सकते तुम।
राजकुमारी मान्यता। अच्छे घर की लड़कियां इस तरह का असभ्य व्यवहार नहीं करती। आपको रुकी है, मुझे ये व्यवहार सिखाने वाली। हाँ, उदय बेटा, अब हम इनसे अकेले में कुछ बातें करना चाहते हैं। जी दादी साहब। बाबा नहीं है बेटा, आपके असली पिता हमारे बेटे ब्रिजराज हैं। आपको एक बात मेरी बात समझ नहीं आती क्या? मेरे बाबा का नाम मुरारी लाल है, वो एक वॉचमैन है, आपको भी गलतफहमी हुई है। न जाने इस मुरारी ने क्या क्या झूठी पट्टियां पढ़ा। पहले तो आप मेरे बाबा के बारे में बकवास करना बंद कीजिए। हमारे बाबा दुनिया सबसे वाले बाबा, उन्होंने मुझे कभी किसी चीज की कमी होने नहीं दी, कभी कोई गलत बात नहीं सिखाई। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और आप उनके बारे में उल्टी सीधी कहानियां बनाना बंद कर दो। हम कोई उल्टी सीधी कहानियां नहीं बना रहे हैं, ये सच है बेटा। आपके लिए या मुरारी के लिए हम कोई षड्यंत्र नहीं रच रहे हैं। आप वाकई देवगढ़ के महाराज ब्रिजराज सिंह की बड़ी बेटी हैं। यहाँ पे कोई शूटिंग वूटिंग चल रही है क्या, जो ऐसे कपड़े पहनकर हम करके बात करना? महाराज ब्रिजराज सिंह की बड़ी बेटी। मुरारी हमारे यहाँ वॉचमैन का काम करता था, हमारा खास आदमी था, हम सब बहुत भरोसा करते थे उस पर। और फिर एक दिन वो आपको अगवा करके हम सबसे दूर लेके आ। वो आपको इतने साल पाल पोसकर इसलिए बड़ा कर रहा था ताकि वक्त आने पर वो हमसे आपके लिए बड़ी रकम फिरौती में मांग सके। वो आपसे प्यार नहीं करता बेटा, हम करते हैं क्योंकि हम ही आपका असली परिवार हैं। बस अम्मा, बहुत औकात कही नाटक, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। अब चले जाओ यहाँ से, मुझे आप में से किसी एक की भी शक्ल नहीं देखनी, मुझे बस अपने बाबा के पास जाना है। ये लो साहब, रखो। तो अब तक कम नहीं हुआ, हम लोग मोनिया तक कैसे पहुंचेंगे? इन लोगों ने इस जगह को किसी किले की तरह चारों तरफ से घेर के रखा। किला ही तो है,
देवगढ़ रियासत के मॉडर्न जमाने का किला, जहाँ उन्होंने अपनी नई राजकुमारी को कैद करके रखा है। मोनिया को हम सब लोगों से दूर, इतनी भीड़ में अकेले अंदर कितना डर लग रहा होगा ना। बस कुछ देर की बात है। हमारी बात तो सुनो बेटा, मुझे आपकी कोई बात मत नहीं सुननी। आप मेरे दिमाग में गलत चीजें भर रही हैं। ये समय हमारे परिवार के लिए भी उतना ही जज्बाती है बेटा, जितना आपके लिए है। आपको मुझे मेरे बाबा से लग करके क्या मिला? यानी कि अब भी आप ये मानने को तैयार नहीं है कि आप हमारी पोती हैं? कोई चांस ही नहीं। खुद को देखिए और मुझे देखिए, बताइए कोई मेल है क्या? आप भी उतनी ही जिद्दी है जितना एक जमाने में हम हुआ करते थे। खुद ही सोचो बेटा, मुरारी आपको शहर से शहर क्यों घुमाता रहा? वो आपके बारे में जरूरत से ज्यादा फिक्रमंद रहता, क्योंकि हमेशा उसे एक डर लगा रहता कि कोई आपको उससे छीन न ले। वो आपको हमेशा अजनबियों को घुलने मिलने से रोकता था। बेटा, 20 साल पहले देवगढ़ के महाराज ब्रजराज सिंह और महारानी कोमल के घर पैदा हुई एक नन्ही सी परी राजकुमारी मान्यता, जो हम सबके जीवन में आशा की नई किरण लेकर आई। चिराग मैं घिसूंगी तो शायद एक जन भी यहाँ टपक पड़े। हाँ, नहीं तो मेरे चौल में सारी लड़कियां खुद को राजकुमारी समझती है, पर हम सब जानते हैं राजकुमारियां सिर्फ कहानियों में होती है। पर आप क्यों नहीं समझती? मेरा नाम मोनिया है, मोनिया। मैं कोई राजकुमारी नहीं हूँ। आपको ना इलाज की जरूरत है। अरे देख क्या रहे, जूते सुना उसे, अभी वो आ जाएगा। क्या हुआ? मैडम रुकिए, रुकिए मैडम, कहाँ जा रही आप? कहाँ जा रहे? अंदर चलिए, बाहर चलिए, ये सब नाटक हो रहा है। ये सब सुबह से इसी तरह कई लोग अंदर जाने की कोशिश किए। चलिए बाहर चलिए। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, बात सुनिए। ये दोनों मोनिया की दोस्त है, इनको अंदर जाने। कौन मोनिया? मोनिया मान्यता, जिसको आप लोग मान्यता समझ रहे हैं ना, ये उन दोनों की दोस्त है। बस जाके हालचाल पूछना चाह रही है, इनको अंदर जाने दीजिए। ओहो हो, ये राजकुमारी मान्यता के दोस्त है। अरे सुबह से बड़े बड़े दोस्त आए राजकुमारी जी के, किस किस को जाने देंगे अंदर? तमाशा बंद कीजिए, बाहर निकलिए प्लीज, बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। भाई साहब आप बात नहीं समझ रहे, बाहर निकालिए इनको भी, बाहर जाइए, सब सुनता हूँ, आप बाहर जाइए पहले, गेट के बाहर। ये दोनों, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, गेट बंद करो। एक बार बात, देखिए मैं आपको एक घंटे से जानती हूँ और अपने बाबा को पूरी जिंदगी से, इसलिए कह रही हूँ मुझे उनसे बात करने दीजिए। वो मुझे सब कुछ साफ साफ बता देंगे, फिर सर सब खत्म हो जाएगा ना।
आपका मुरारी से मिलना नामुमकिन है। हम उसे आपके पास भटकने भी नहीं देंगे। आप मुझे जितना उनसे मिलने के लिए रखेंगी ना, उतनी जल्दी उनसे मिलूंगी। हाँ नहीं तो अगर आपकी इज्जत है तो हमारी भी इज्जत है। जब तक आप अपने ये बदतमीज तौर तरीके नहीं बदलती, अदब से बात करना नहीं सीखती, आप इसी कमरे में बंद रहेंगी, वो भी अकेली। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, सुनिए, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, मुझे अपने